गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक है भाई हमारे चैनल के ऊपर। और सुबह सुबह का टाइम है आज। जो क्या है भाई, आज क्या है? आज है थर्सडे और मैं जस्ट नहा लिया हूँ। मैंने बस चेंज करना है और ये लड़कियों ने उठते ही टीवी लगा लिया भाई। ये देखिए उठ गई है ये दोनों। और वो मैडम तो ना खास रही है, क्यों? क्योंकि रात को सारे कपड़े निकाल के फेंक देती है। इसको तो अभी से समर वेकेशन वाली फीलिंग लेनी है। आज इनकी है हॉलीडे। किस चीज की हॉलीडे? रामनवमी की हॉलीडे है भाई। और देखो इनका ब्रेकफास्ट आ चुका है, वो पराठा खा रही है बटर के साथ, ये दूध बिस्किट एज यूजुअल। और इनके ब्लॉग स्टार्ट हो गए हैं सुबह सुबह। और उधर सुमन रेडी शेडी हो रही है भाई। ये देखिए ये रेडी हो रही है अभी, हमें जाना है ऑफिस। ये हमेशा लेट कराती है मेरे को ना। नहीं आप चलो अपने कपड़े पहन लो कि मैं। अरे मैं तो, हम तो बॉयज हैं, बॉयज को तो कुछ नहीं पहनना होता है। 2 मिनट लगते हैं मुझे तैयार होने में। 2 मिनट लगती है, आधे घंटे में आएगी। बस आ गई मैं, आप चलो मैं आई। तो भाई रेडी शेडी हो गए, अपना डेली का शेड्यूल तैयार है। अभी हम निकल पड़े हैं ऑफिस के लिए। उधर सुमन अपना सामान रख रही है, इसने फिर लेट करा दिया मुझे आज। तो इसने भाई फिर से लेट करा दिया मेरे को। देखो अभी तक ये ना डुमके मारती हुई आ रही है और मुझे फिर कहती है कि आप लेट कराते हो। अब किसने लेट कराया है? आपने। मैंने लेट कराया है, सब देख रहे हैं किसने लेट कराया, सबको आइडिया है। मैं आपके लिए केला लेने गई थी। झूठी कहीं। तो भाई आज मौसम बाहर बड़ा गर्म शर्म सा लग रहा है, धूप काफ़ी कड़कती हुई निकली हुई है और अभी हम लेट हो गए हैं। वैसे तो 11 बजने वाले हैं, तो जब भी सुमन मेरे साथ जाती है तो 11 बजते ही बजते हैं। तो अभी सीधा ऑफिस जाके मिलते हैं आपसे। फाइनली हम ऑफिस पहुंचे और हमें इतनी अच्छी पार्किंग मिली आज 11 बजे भी, मेरी वजह से। देखो कितने खुश है भाई पार्किंग को देखिए। यहाँ पे यूजुअली पार्किंग मिलती नहीं है, तो आज ये बहुत खुश है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सल साहब दे रहे हैं भाई आज पार्टी, हमारे कहने से तो दे नहीं देते। ये सुमन के कहने से आज पार्टी दे रहे हैं, अनुपम लेके जा रहे हैं अभी हमें, है ना सुमन? हाँ, मेरे ये देखो भाई पार्टी क्या दे रहे हैं, मतलब साहब के साथ गुलाब जामुन, हॉट गुलाब जामुन विद आइस, ठंडी आइसक्रीम। इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? कोल्ड आइसक्रीम। पैसे कितने लगे? चिल्ड आइसक्रीम। पैसे कितने लगे बताओ? मैडम लोग आइसक्रीम करती है। तो भाई ऑफिस से कर दिया ऑफ, अभी चल रहे हैं। सुमन अभी पीछे आ रही है, देखते हैं कितना टाइम लगा है। ये आ चुका 2000 years later पहुंच के देख घर। और पहले तो कर लेते हैं हमारी लाइट ऑन। और ये देखो क्या खिलाना डाल के इन्होंने, दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या ही हालत बना रखी है। हाँ डाल ले पॉकेट, गंदे बच्चे। और ये दिखाते ही चलने लग गए। क्या कर रखा डुबो जी, देखना ये पढ़े थे आज ट्यूशन। फिर पार्टी कर रहे हैं अभी हम। हेलो हेलो। तो भाई खाना वाना खा लिया था, अभी आ गए थे ऊपर। और ऊपर आते ही बाहर देखिए क्या नजारा है भाई, थंडर स्टॉर्म्स ऐसी गड़गड़गड़गड़ जबरदस्त वाली बारिश आ रही है। ऑफिस से आ गए थे, आके बाद खाना खाया और आती दायरा और धामिया को पढ़ने लगी डांट। सुमन ने जबरदस्त वाला डांटा भाई उनको, पूरा खिलारा डाल के रखती है घर में, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी, हर बेड में, हर रूम में, चारों बेडरूम में, हर जगह खिला रहा है, दोनों ऊपर नीचे, दोनों ड्राइंग रूम्स में, हर जगह खिलारा डाल के रखती हैं। हमने तो भाई समझा लिया है प्यार से भी, डांट के भी, समझ में तो आता नहीं दोनों लड़कियों को। आप लोगों के पास कोई आइडिया हो समझाने का तो बता सकते हैं भाई। बाकी अभी ऊपर आ गया हूँ मैं और अभी दिखाता हूँ ऊपर का थोड़ा हल्का सा, आपने पहले भी देखा होगा, थोड़ा सा और नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का और उसके बाद बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। बारिश, हमारे जो ट्री पे मैंगो लगे हुए थे अभी अमरूद खत्म हुए थे, सारे गिर जाएंगे भाई, बड़ा अफसोस हो रहा है। इतने सारे आम लगे हुए थे ना, फल, छोटा छोटा फल आया हुआ था, सारा गिर जाएगा भाई। अब क्या करें फिर, इसका कोई इलाज तो है नहीं हमारे पास भाई, ये तो कुदरत की मेहर है। अगर बच सकते हैं तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे। ये देखो भाई ऊपर का भी, ये देखो हर जगह, हर जगह, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये देखो, ये देखो चप्पल कहीं भी, हर जगह, ये देखो, यहाँ भी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो हर जगह भाई, हर जगह। ये देखो इनके गोलक कहाँ रखे हुए हैं। और बाहर देखो भाई, ये तो मेरी शेडो आ रही है। तो भाई बाहर हो रही है बारिश। देखो हमारे घर के बाहर वैसे तो लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे, और डॉगीज बैठे हुए हैं वहाँ पे, सब देख रहे हैं, उनको पता लग गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो कैसे देखने लग गए सबके सब। और ये देखिए ये हमारे अमरूद के ट्रीज हैं, वो आगे हमारा मैंगो है और वो हमारा सामने शेड दिख रहा है आपको।
वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बारिश हो रही है। ये देखो जबरदस्त हो रही है। अभी कोई थंडर स्टॉर्म आ नहीं रही है, आएंगी तो दिखाऊंगा आपको मैं, बट बारिश हो रही है जबरदस्त। तो भाई गाड़ी के लिए भी कमेंट्स काफ़ी आए, तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और सभी लोगों का मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे थे। ऑब्वियस है कि उसका जो लुक है मर्सिडीज़ का वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, बट देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो BM उसका तो कोई जवाब नहीं है भाई। तो देखते हैं अभी फाइनली क्या बनता है, बट एक मूड तो हो गया, फाइनली गाड़ी एक लेनी ही है, तो देखते हैं कितनी जल्दी ला सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा और विशेज रही तो जल्दी आपके गाड़ी के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल तो अभी एक दो दिन के अंदर अभी 31st की क्लोजिंग करानी है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। जैसे क्लोजिंग हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में आपको पता बहुत सारे दो दो कंपनी चल रही है, एक IT कंपनी चल रही है, एक हमारी कंसल्टेंसी फर्म चल रही है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, तो दोनों में वो ज़बरदस्त वाला काम है। तो जैसे 31st की क्लोजिंग होगी उसके बाद थोड़ा सा फी मतलब लोडेड जो हमारे अभी चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे शोरूम्स और वहाँ जाके देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे को पसंद आती है, और जैसे जैसे जो जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाकी आपकी कोई और भी सुजेशंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलो किसी भी बात को लेके जो भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अब तो आप भी हमारी फैमिली के मेम्बर हो, तो जैसे जैसे हम आपसे कोई चीज़ पूछते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है बताने का। तो आप भी सपोर्ट किया करो और कमेंट्स किया करो, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट्स किया करो भाई। ये बना मेरा बड़ा फेवरेट पिलो है, बनवाया था मैंने दामोडुगु के लिए था, बट ये मतलब मैंने नहीं बनवाया, ये गिफ्ट किया था, ये गोदू ने गिफ्ट किया था दामोडुगु की बुआ ने, जो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजती रहती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि इनकी ये दोनों की पिक है, जितनी ये अभी इसमें लग रही है ना आपको, मेरे को इसको ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, आप भी हो गया यार इतना बड़ा हो गया ये क्या कर रहा है, तो भाई देखो थोड़ा चुलबुला बन तो रहना चाहिए ना लाइफ में, तभी इंटरेस्ट बना रहता है। तो कई बार मिलन तो बोलता भी है कि भाई सर तो बड़े सीरियस हैं, भाई मैं एक्चुअल में सीरियस नहीं हूँ, समटाइम आपको पता है कितना कुछ चलता रहता है लाइफ में, लाइफ का पार्ट है, थोड़ी बहुत मतलब सीरियसनेस फेस पे आ जाती है कई बार प्रेशर होता है, बट मैं यूजली रिफ्लेक्ट नहीं होने देता उसको, बट सम टाइम कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम टाइम हम कैमरे के सामने रहते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और आप लोग तो भी हमारे फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोगों को तो नेचुरल है कि पता लगने ही लगने। चलो दोस्तों अभी आज का गिव अवे पूछने का टाइम आ गया है, तो भाई आप वेट करते हो मुझे पता है, तो चलो आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं। बड़ा आसान से सवाल पूछता हूँ यार, मैं कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ये तो जस्ट एक कनेक्ट बनाने के लिए हमने गिव अवे रखा हुआ है, बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। तो भाई आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना कि मेरे और सुमन के पास कौन से फ़ोन है, मतलब iPhone तो सबको पता है कि हमारे पास है, तो कौन सा फ़ोन है हमारे पास और कौन सा वेरिएंट है फ़ोन का, वो आपको बताना है और करेक्ट आंसर देना है। और फटाफट आंसर दो, क्योंकि इस वीकेंड पे हम लाइव आके फिर हम सारे करेक्ट आंसर बताएंगे और एक मतलब जो हमारा मंथली गुडीज का है वो भी निकालेंगे। तो फटाफट जाइए और पिछले ब्लॉग देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा, और फटाफट आंसर करिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप करेक्ट आंसर करेंगे, और जैसा प्रोसीजर बताया प्रोसीजर को फॉलो करिए, और फटाफट जाके ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जोड़ते जाओ भाई। मेगा प्राइज़ जो निकालेंगे ना, धमाल होना चाहिए उस पर, धमाका करेंगे पूरा। तो आप तब तक अपना सपोर्ट बनाओ और पुराने ब्लॉग देख लो, और यार थोड़े से सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाओ यार, मतलब ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो जितनी हमारे साथ फैमिली ऐड होती रहेगी ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, मौज करो।